everyone, hope you all are well and safe. It's Meeshu here and welcome back to my channel. तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की वीडियो के अंदर मैंने बताया कैसे आप 4 डिफरेंट कलर की नेल पेंट बना सकते हैं। ये चारों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये सारी मैंने सोचा एक ही बार मैं आपको एक वीडियो के अंदर दे दूं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीख पाए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे बेस कोट अपने नेचुरल नेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर एक नेल पॉलिश को अप्लाई करने से पहले मैं इसे लगाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर आपको डाल लेनी है आपकी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ये है सिंदूर। तो ये वो सिंदूर है जो मम्मी या फिर दादी और या फिर आंटी वगैरह जो लगाती हैं, तो ये वही है। और इसको इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी फ्लैट ब्रश हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ये नेल आर्ट वाला है। और अब मैं करूँगी इसे अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड नेल पॉलिश जैसी बनी है। तो ये जो है इसके डबल कोट करूंगी और जितना जल्दी हो सके इसे जल्दी जल्दी आपको अप्लाई करना है ये ड्राई हो उससे पहले। आप चाहें तो अपनी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश के अंदर इसको लेकर उसमें ये मिक्स करके आप डायरेक्ट बॉटल के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं, पर बेहतर यही होगा कि जब भी आपको इसे अप्लाई करना हो, बनाना हो, तब बनाओ और उसको डायरेक्ट लगा लो। और अब मैं वन बाय वन करके अपने सारे नेल्स पे इसको अप्लाई कर लूंगी। और ये फर्स्ट रेड नेल पॉलिश बन गई है सिर्फ एक सिंदूर को यूज करके। सेकेंड नेल पॉलिश के लिए भी मैं वापस से कंटेनर में ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले लूंगी। और अब जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये। तो ये है हल्दी, आपके घर में जो भी हल्दी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। पाउडर जितना फाइन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये आपको इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पॉन्ड्स का ये पाउडर डालूंगी, आपके पास बेबी पाउडर हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसको डाल लेने के बाद तुरंत मैं इसे मिक्स करते जाऊंगी, ये थिक पेस्ट ना बने इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेल पॉलिश है ये जेली नेल पॉलिश जैसी बनी है, जैसी जेली नेल पॉलिश होती है सेम वैसी लग रही है। तो इस तरीके से आप अपनी जेली नेल पॉलिश भी बना सकते हैं। आप जब भी ये DIY नेल पॉलिश बनाओ तो इस पे क्या करना, नीचे बेस में है ना कुछ फैब्रिक, कुछ वेस्ट कुछ रख लेना, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, मैस नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी येलो नेल पॉलिश भी इस तरीके से बन गई। तो चलते हैं थर्ड वाली नेल पॉलिश की तरफ। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को यूज किया। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ये ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है जो बजरंगबली या फिर आप कहें हनुमान जी को चढ़ता है, ये वो वाला सिंदूर है जो मैंने यूज किया है। और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे आप जब भी बना रहे हो तब आप एक चीज का ध्यान रखना, वो ये है कि आप इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखना। जब भी आप ये नेल पॉलिश बना रहे हो तो इन चारों में से कोई भी बनाओ एक चीज का ध्यान रखना, और वो ये है कि फैन, एसी, कूलर जो भी है घर में उसको ऑफ कर देना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, तो उससे फिर आपको ये अप्लाई करते नहीं बनेगी। आप जैसे अपनी नेल पॉलिश की डबल कोट करते हो ना वैसे इसे भी डबल कोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये यहाँ पे ऑरेंज नेल पॉलिश भी हो गई है रेडी। तो आप चाहे तो ऑरेंज नेल पॉलिश को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट वाली है इसे भी मैं बता देती हूँ। इसके लिए भी आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को ले लेना है एक छोटे से कंटेनर में। तो जो अब मैं नेक्स्ट यूज कर रही हूँ वो है ये गुलाल। तो ये पर्पल कलर का है, आपके पास जो भी कलर का पड़ा हो आप यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना जो भी गुलाल आप यूज कर रहे हो वो काफी अच्छा हो और काफी फाइन हो, क्योंकि जब नेल पॉलिश के साथ अच्छे तरीके से ये गुलाल मिक्स होगा तो आपकी जो नेल पॉलिश होगी वो भी काफी अच्छी बनेगी।
और अब मैं इसको कर लेती हूँ अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेम वही ब्रश का यूज किया है। जैसे ही फर्स्ट लेयर ड्राई होती है मैं वैसे ही यहाँ पे सेकेंड लेयर को भी अप्लाई कर लूंगी अपने नेल पे। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से नेल पॉलिश बनाई पर मैंने सोचा क्यों ना वाटरप्रूफ बनाई जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई। तो ये इसी तरीके से अप्लाई करना है और मैंने इसे बाद में डबल कोट भी कर लिया था। और ये बन गई हमारी पर्पल नेल पॉलिश। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप कोट भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा शाइन के लिए।